कपड़ा और मकान ये नाम तो एक फिल्म का है, लेकिन जिस हकीकत पर ये फिल्म दर्शाई गई थी वे आज भी बरकरार है। ऐसा ही कलेक्टर पर बैठे सीएनजी ऑटो चालकों पर सटीक बैठता है। 3 दिन से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे ऑटो रिक्शा चालकों की कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं है। पिछले 3 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे ऑटो रिक्शा चालक जिले के प्रशासन से अपनी रोजी रोटी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऑटो चालकों ने हाथ में कटोरा लेकर सरकार से कहा है कि वे उनके ऑटो की आयु सीमा बढ़ाकर उनके परिवार को रोजी रोटी देने का कार्य करें, नहीं तो ऑटो चालकों के परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो ऑटो चालकों के परिवार वाले भी भूख हड़ताल पर बैठने के लिए बाध्य होंगे। जी मतलब आज कौन सा दिन है आपका हड़ताल का? आज हमारा तीसरा दिन है भूख हड़ताल पे बैठे हुए, और हम सीएनजी ऑटो रिक्शा चालक हैं, और हम अपने ऑटो की आयु सीमा 10 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष किए जाने के लिए, जैसा कि सारे उत्तर प्रदेश में लागू है, उसकी मांग को लेकर हम यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हुए। क्या कह रहा है विभाग? कुछ नहीं कह रहा है, तो कोई धमकी दे देता है जेल भेजने की, कोई अस्पताल भेजने की, कोई ऑटो सीज करवा के कबाड़े में डलवाने की धमकी दे देते हैं। ये हमारे तो 3 दिन में किसी ने भी नहीं। विधायक मुरादाबाद आपसे मिलने आए थे, क्या कोई आश्वासन दिया? हाँ, कल विधायक जी हमारे हमसे मिलने आए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं वार्ता करके और आपकी समस्या का समाधान करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। और मैं बोले आज वो कहा अभी हमारे लोग दोबारा से अब गए हैं विधायक जी से मिलने। कटोरी हाथ में लिए हैं, इसका क्या मतलब है? भैया कल कटोरे जब हमारे पास आए थे तो इनमें खाना था, और अब ये कल थोड़ी देर के बाद ये खाली हो गए, इन अधिकारियों ने हमारी रोटी छीन ली, इसलिए खाली कटोरे हमारे हाथ में।